बहुत ही प्यारी कासले, और ये एक्चुअल में कासले यहाँ पे रहा करते थे। ये पीछे जो है ना, जो भी लास्ट टाइम हमें बताया गया था, यहाँ बाहर पार्टीज हुआ करती थी, बॉल्स वगैरह जो भी इनके मेन इवेंट्स हुआ करते थे, और ये अंदर इनके कमरे हुआ करते थे किंग्स एंड क्वींस के, जो अभी टूट फूट गए हैं। नाइस है, और ऊपर भी जा सकते हैं, क्या वो बंद होगा पता नहीं, ऊपर देखते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, जा रहे हैं लोग, चलें ऊपर, तो चलते हैं हम पहले ऊपर, उसके बाद नीचे ये देखते हैं, फिर यहाँ पे बैठेंगे हम तो स्कूल के लिए। पीछे की जगह का व्यू बहुत ही प्यारा आ रहा है, तो मैं बस ऊपर जा रही हूँ, देखूँ ऊपर क्या है। पीछे कैफे भी इन्होंने बनाई हुई है, रोज़ा है, सबने ड्रिंक्स और खाना पीना लाया हुआ है, और हम बस ऐसे घूम फिर रहे हैं। अच्छा ये बंद ही है आगे, बंद है नहीं आगे, मैं यहाँ से स्टेयर्स हैं, स्टेयर से चढ़ के वो पड़ेगा, देखती हूँ अगर अच्छी चेयर अच्छी स्टेयर्स हुई फिर जाऊँगी। बेबी भी जा रहे हैं तो जाना पड़ेगा, छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं तो मैं तो जा सकती हूँ। ज़्यादा स्टेयर्स है और वैसा ये बहुत छोटी है, और ऊपर से भी नीचे लोग आ रहे हैं तो बहुत बच के ऊपर चढ़ना पड़ा, आगे ऊपर। जी तो व्यू तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी नीचे भी जाना पड़ेगा, यहाँ से भी व्यू बहुत अच्छा है उस साइड से भी। बस जो है ना स्टेज बहुत टाइट थी, और छोटा सा बेबी भी आया हुआ है तो अभी वो जा रहे हैं नीचे, और वो काफ़ी परेशान थी कि कैसे जाएंगे नीचे, जाहिर है छोटा सा बेबी और पत्थर की स्टेज है तो उसको आना ही नहीं चाहिए था, पहले किसी को भेजती ऊपर उसके बाद खुद आती तो, लेकिन नहीं व्यू बहुत प्यारा है। आ गए नीचे हम, पहुंच गए, खैर खरियत से पहुंच गए। अभी हम लोग वहाँ नीचे जाके थोड़ी सी रेस्ट करेंगे, बैठेंगे, व्यू को एंजॉय करेंगे। स्टेज भी ले रहे हैं इतनी विड्थ में, देखें ये वही पुराने जमाने की, हाँ ना उसी तरह रखी है ने। तो पुराने जमाने में कैसे चलते थे यहाँ पे, तब उनके पास हील्स नहीं आती थी। मैंने हील्स नहीं, मेरे फ्लैट्स पे नहीं हुए, मेरे फ्लैट्स पे नहीं हुए। ये देखें दिख रहे हैं, पता नहीं दिखेंगे नहीं, अली वहाँ बैठ गए हैं उनमें, इस हावल या जो कुछ भी है इसको देखने आगे भी। तो अभी हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, व्यू काफ़ी अच्छा है और मौसम भी काफ़ी अच्छा है। टाइम टू सिट डाउन, डाउन थक गए हम, ले आवल था, अभी ये लोग ईगल लेके आए हैं, लेकिन हमें इतनी हिम्मत नहीं है कि यहाँ से वहाँ चल के जाएं। नहीं हिम्मत है, लेकिन हिम्मत करने का दिल नहीं कर रहा है। कर रहे हैं बैठे रहे थोड़ी देर, और उसके बाद जब उठेंगे तब देखेंगे। गर्मी दिल कर रहे हैं बैठे रहे, जब उठने लगे तो फिर बैठ जाए। अगर वो तब तक हुए वहाँ पे तो फिर निकाल लेंगे उसकी सेल्फी और वीडियो। बता रही हूँ मैंने हल निकाल लिया, मैंने उसका क्लिप ले लिया, यहीं से उसको जूम करके ना मैंने उसका क्लिप ले लिया। कैसा रहा? कैसा था मेरा कारनामा जो मैंने अभी किया? आपका बहुत अच्छा कारनामा था, देखें अकल बड़ी के भैंस। भैंस हमेशा भैंस होती है, लेकिन वो बड़ी होती है। हालांकि मेरे यहाँ भैंस नहीं, मेरी अकल लड़ाई है। ये अकल लड़ाई है आपकी, अकल तो देख ले, हमारे पास कैमरा है, जूम हो
सकता है। पता नहीं क्या दूर दूर बैठे हैं, ये देखे आंसू फिर से। हाँ। ये एक वो क्या कहते हैं, ये खुशी के आंसू है, ये ना निकले धूप में अपने पीछे बच्चों। हाँ। से भी बातें करे। हाँ। ये देखे क्यूट से भाग रहे हैं इधर उधर। हाँ, ये जो आंसू है ना, आशी के बांध के एक कश्माला तारीख थी। अच्छा देखो ये आ रहे हैं। हाँ। तो मैंने सोचा इसके साथ सेल्फी ली जाए। ये थैंक यू, भी नहीं जाने दिया इसकी, मैंने ले ली पिक्चर। वो वहाँ बैठे उठा नहीं जा रहा था, मैं उठ के आ गई और लेके जा रहे हैं तो चलो। अभी उठ गए वॉशरूम से होके आए और बाहर निकले तो ये लोग एक और चीज़ लेके आ गए, तो ज़्यादा उसकी भी बनानी है और देखते हैं। ये तो कोई डक की लगती है, बर्ड्स ही लेके आ रहे हैं तो देखते हैं ये क्या है। पता नहीं क्या है, चूहे थे वहाँ पे और बहुत ही बदबू है यहाँ पे, इतनी स्मेल है कि बड़ी मुश्किल से खड़ी हूँ बस ये देखने के लिए है क्या चीज़। लगा बैट्स होंगे, वो बैट्स मुझे नज़र नहीं आए। मैंने देखा अली वहाँ खेल रहे हैं उस ब्लॉक के साथ बच्चे, मुझे अभी भी समझ नहीं आई जगह क्या है। अभी निकलती हूँ पर यहाँ से रास्ता है, लाइक आगे देखते हैं क्या है। ओके, तो अंधेरा हो गया, बैट्स हैं, अच्छा तो वहाँ से गए हम और यहाँ से निकल आए और अंदर इतनी बदबू है डैम की और जानवरों की, और जहाँ बैठ से वहाँ बिल्कुल अंधेरा किया हुआ था ने, और दरवाज़ा कोई खोलता था तब नज़र आते थे, तो दो ही मुझे नज़र आए, एक वो दरमियान में लटका और एक पता नहीं साइड पे। तो बैटमैन को भी देख लिया। हम जा रहे हैं तो बाय बाय कासल, और इस रास्ते से बाहर जाएंगे। और ये आखिरी ट्रेन थी जो गई है, ये आपको ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लेके आती है। तो हम लोग ने अभी और कुछ चीज़ें देखनी है तो ऐसे ही घूम फिर के जा रहे हैं, तो बस 5 बजे बंद हो जाएगी, तो आधा घंटा है इसमें हम लोग निकलते ही हैं। और यहाँ पर ये देखें, खाना खा रहे हैं। अभी मैंने नागिन को देख लिया, तो नागिन को देखना लाजमी हो गया है, तो अली चले मुझे नागिन देखनी है। यार मुझे नागिन का इस टाइम म्यूजिक नहीं ध्यान में आ रहा, वरना मैं वो पूरा राग सुनाता। हाँ इस वक्त मुझे भी याद नहीं आ रहा, चले नागिन मैंने देखनी है। आ जाए देखें इनके पास कौन सी ग्रीन रेड गोल्ड कौन सी नागिन है। नागिन होती लेकिन लगता है नागिन अपना इंतकाम लेने गई हुई है, तो अभी ये खाली है। नागिन मिल गई और वो भी गोल्ड वाली मिली है, देखे
जो आजकल लग रही है नागिन, इसको मैं आपको क्लोजअप दिखाती हूँ। और वो भी है एक जी, तो अपनी नागिन को भी देख लिया। तो अली कहते हैं स्टाइल में बाय बाय बोलो आज। तो अपनी नागिन को भी बाय बाय बोल दिया, जैसे मैं आपको कह रही थी अभी। तो बहुत सारी ये सांप थे, कुछ हाली थे, पहले तो मुझे कुछ दिखा नहीं, कुछ गायब थे, जो ग्रीन वाले थे वो गायब थे। लेकिन जो हमारी गोल्डन सुनहरी जो है ना, तीन सौ सुनहरी गोल्डन को बोलते हैं, तो वो वाली जो नागिन थी ना, बहुत सारी नागिने वो थे। तो कुछ सोए हुए थे, कुछ बस ऐवें लेटे हुए थे, साथ में रेप्टाइल भी थे। तो उनको देख के बहुत ही मज़ा आया। और यहाँ से अभी हमारा ये जो आज का ट्रिप है डडली ज़ू का, फिनिश हो गया है। तो अभी हम बस बाहर जा रहे हैं। तो बस मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको आज बहुत मज़ा आया होगा, मुझे तो बहुत आया। सिवाय अभी से रमज़ान में भूख प्यास सिर्फ होती है, उसके अलावा अगर खाना पीना होता तो और ज़्यादा मज़ा आता। लेकिन इसमें भी माशाल्लाह कोई पता नहीं चला, हालांकि आज मौसम गर्म था, थोड़ी सी प्यास लगी, लेकिन बाकी हाँ। अभी टाइम क्या हुआ, 5 बज गए हैं ना, अभी 3 घंटे हैं। तो इतने में हम लोग घर भी पहुँच जाएंगे 1 घंटे में, और अच्छी सी इफ्तारी वगैरह भी तैयार कर लेंगे। तो हाँ, आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। और इस वक्त भूख लगी है तो खाने की बात हुई। तो बस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। Your skin, 'cause honestly, let's hold our breath. This is so real, just you and me. Let's escape, girl, tonight.